मंथन अध्ययन केंद्र द्वारा किए गए नए अध्ययन से पता चला है कि महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी महाजेनको के 2400 मेगावाट के कोराडी और 1340 वाट के खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट के आसपास के इलाकों में काफी व्यापक रूप से भारी प्रदूषण फैला है। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान मंथन अध्ययन केंद्र के द्वारा संयोजक श्रीपाद धर्माधिकारी इन्होंने दी है। मॉनसून सहित हर मौसम में लिए गए पानी के नमूने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा पीने के पानी में धातु की स्वीकार्य सीमा पर खरे नहीं उतरे। इस अध्ययन में सतही और भूजल में पारा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, लिथियम आदि धातु पाए गए और फ्लाई ऐश के चलते हवा, पानी और मिट्टी सभी जगह बड़े पैमाने पर प्रदूषण का स्तर दर्ज किया गया। पॉल्यूटेड पावर, हाउ कोराडी एंड खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशंस आर इंपैक्टिंग द एनवायरनमेंट में पावर प्लांट और राकर तालाब से होने वाले प्रदूषण को तुरंत रोके जाने की सिफारिश की गई है। अभी तक के प्रदूषण से जो भी नुकसान हुआ है उसे स्थानीय लोगों, नागरिक समाज और स्वतंत्र विशेषज्ञों से मिलकर बने एक आयोग की निगरानी में साफ किया जाए। इस अध्ययन को सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नागपुर, मंथन अध्ययन केंद्र पुणे और असर सोशल इम्पैक्ट एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर किया। मी सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही संस्था ह्याची मी डायरेक्टर आहे आणि कोराडी आणि खापरखेडा हा जो हे जे दोन थर्मल पा प्लांट्स आहे ह्याचा जो प्रदूषण आहे याच्यावर आम्ही असा विचार केला की इथे वारंवार आम्ही न्यूजपेपरमध्ये आम्ही पाहत होतो, वाचत होतो आणि आम्हाला असं वाटलं की हे जे प्रदूषण आहे याचा जो आहे हे आपल्याला अभ्यास करण्याचं खूप गरजेचं आहे। आत्तापर्यंत काय होत होतं की आपल्याकडे काही आकडे नव्हते, म्हणजे आकडे जेव्हा आले तर आपल्याला असं वाटलं, आम्हाला असं वाटलं की डेटा जर असेल, म्हणजे आपण म्हणतो की वायू प्रदूषण आहे, आपण म्हणतो की पाण्याचं प्रदूषण आहे, पण ते नेमकं काय आहे, म्हणजे किती आहे, हा जोपर्यंत आपल्याला माहीत नाही होणार तोपर्यंत म्हणजे जे लोक स्थानिक स्तरावर जे सरपंच लोक जे आहे ते पण वारंवार ह्याच्यावर करत आहे पण काही त्याचा होत नव्हता। तर जेव्हा आम्ही पहिल्यांदा त्यांना जाऊन भेटलो आणि त्यांना विचारलं की का बरं तुमचं तुम्हाला का बरं ऐकत नाही आहे ते, तर ते सबस्टॅन्शिएट करायला डाटा नव्हता, म्हणजे आपण जे म्हणतो आहे ते खरं आहे त्याच्यासाठी डाटा नव्हता, त्याच्यामुळे आम्ही हे पूर्ण डिटेलमध्ये आम्ही सर्वे केलं। ये बहुत स्पष्ट रूप से आया है कि कोराडी और खापरखेड़ा ये दोनों जो प्लांट्स हैं उनके आसपास बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण फैल रहा है और उसकी वजह भी ये दोनों प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स और उनके साथ जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ऐश पॉन्ड है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है, इसमें वायु प्रदूषण भी है, इसमें पानी का प्रदूषण भी बड़े पैमाने पर है और इसमें ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है और इसके जो प्रभाव है ये हमको सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य पे दिखने को मिलते हैं, मवेशी के स्वास्थ्य पे दिखने को मिलते हैं और जो लोगों की जीविका है, खेती है, दुग्ध उत्पादन है, ये सभी पे भी इसका बहुत बुरा असर हमको दिखने मिलता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।